आयकर विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्जन भर कारोबारियों के निवास और प्रतिष्ठानों में एक साथ छापामार कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की दबिश से हड़कंप मच गया। इन दिनों आयकर विभाग की टीम उन प्रतिष्ठानों को निशाने पर रखा हुआ है जिनके द्वारा आयकर भरने में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। रायपुर में गुरुवार सुबह 7 बजे से आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई शुरू की। छापामार कार्रवाई में शराब कारोबारी पप्पू भाटिया, सीए कमलेश जैन, संजय संचेती, होटल कारोबारी गुरुचरण होरा, मीनाक्षी टुटेजा सहित कई रसूखदारों के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर के महापौर एजाज डेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई है। इन सभी लोगों के प्रतिष्ठानों में वित्तीय अनियमितता की जाँच की जा रही है। प्रभावशाली लोगों को घर छापा मारने के लिए आयकर अफसरों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मदद थी। एक साथ दर्जन भर ठिकानों पर आयकर रेट की खबर से हड़कंप मच गया है। बीती 12 फरवरी को प्रधान आयकर आयुक्त ने चेतावनी दी थी कि जो लोग आय से अधिक संपत्ति संचित कर रहे हैं अघोषित संपत्ति सरेंडर कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने छत्तीसगढ़ के 264 लोगों के लेखा जोखा में गड़बड़ी करने और आयकर की चोरी करने के लिए चिन्हित कर रखा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।